The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बिलिरुबिन क्या है? सबसे बड़ा कारण जॉन्डिस का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्यों आपके अंदर पीलिया होता है। बिलिरुबिन क्या है? बाइल, बिलिरुबिन वेरी इंपॉर्टेंट। बिलिरुबिन का टेस्ट क्या होता है? बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट किया जाता है और बिलिरुबिन ये वो पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी पाया जाता है, लिवर में भी पाया जाता है। और लिवर की बीमारी हो या ये हमने ऑलरेडी बताया है, लिवर की बीमारी, खून टूटना, खून यानी रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके रास्ते में स्टोन है, लिवर में इंफेक्शन है, बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट के बारे में बात जानते हैं कि बिलिरुबिन टेस्ट सिर्फ शरीर के अंदर बिलिरुबिन का लेवल चेक करता है और ये वो येलो पिगमेंट है जो बाइल बनाता है, जो आपके शरीर में पित्त बनाता है, पित्त की थैली वाला पित्त जो लिवर में बनता है, राइट। और बिलिरुबिन आपके खून में भी चेक किया जा सकता है, यूरिन में भी चेक किया जा सकता है, दोनों जगह चेक किया जा सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं बिलिरुबिन का पहले ब्लड टेस्ट के बारे में, यूरिन के बारे में भी बात कर लेंगे, नो बिग डील। सो आपका जब ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ब्लड टेस्ट में कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन कायदे से बोला जाता है कि आपको 4 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, 4 घंटे 4 आवर्स पहले। और अगर कोई दवा लेते हैं जिस प्रकार के, तो उसको भी रोकना होगा बिलिरुबिन से पहले 4 घंटे के लिए, है ना। और आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर आपकी दवा कोई लंबे समय के लिए रोकनी तो नहीं है। टेस्ट के लिए ऑब्वियसली आपका खून लेंगे, टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा, छोटे से खून से टेस्ट हो जाएगा। और बिलिरुबिन नॉर्मल लेवल क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल ब्लड में 2 प्रकार से गिना जाता है, एक है डायरेक्ट बिलिरुबिन, एक है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब होता है एक टोटल बिलिरुबिन आता है, टोटल बिलिरुबिन में फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, राइट। सो डायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अनकॉन्जुगेटेड। नॉर्मली जो बिलिरुबिन ब्लड के टूटने की वजह से आता है, ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से आता है, वो आता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में जाता है और वहां जाके कॉन्जुगेट होता है, मतलब पहले वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, फिर जाके वो डायरेक्ट हो जाता है, राइट, फिर जाके वो कॉन्जुगेट होता है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि हम ये बता सकते हैं कि प्रॉब्लम लिवर से पहले है या प्रॉब्लम लिवर के बाद है, ये बता सकते हैं इससे। अगर आपका डायरेक्ट यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बड़ा है, मतलब प्रॉब्लम लिवर में या लिवर के बाद है। बहुत सिंपल सी चीज है, या लिवर में है या गॉल ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर के बाहर के रास्ते में है यानी गॉल स्टोन है, या गॉल ब्लैडर के रास्ते में स्टोन है, या लिवर में कोई बीमारी है, उसी की वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन ही बढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन पहले बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो मतलब कि हीमोग्लोबिन टूट रहा है, हीमोलिसिस हो रहा है, मतलब वहां कहीं कोई बीमारी है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वहां बढ़ेगा। और अगर दोनों बड़े हैं तो उसका मतलब है कि लिवर में ही बीमारी है, क्योंकि दोनों यानी ये भी बढ़ गया वो भी बढ़ गया, यानी लिवर में इनडायरेक्ट आ रहा है और कॉन्जुगेटेड भी डायरेक्ट भी बन रहा है, लेकिन दोनों बढ़ रहे हैं तो लिवर में बीमारी है। ये होता है जब दोनों बढ़ रहे हैं, समझ गए आप बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो होना चाहिए आपका यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उस यूनिट्स में, दूसरे यूनिट में माइक्रोमोल पर लीटर के यूनिट में इट शुड बी लेस देन 5.1 माइक्रोमोल पर लीटर। और टोटल बिलिरुबिन आपका होना चाहिए 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, माइक्रोमोल में 1.71 से लेके 20.5 माइक्रोमोल पर लीटर तक। उसमें से डायरेक्ट वाला हुआ 0.3 से नीचे, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और बाकी का हो गया इनडायरेक्ट जो बच गया माइनस करके, है ना, ठीक है। तो दोनों का टोटल मिला के 1.2 से नीचे होना चाहिए, 1.2 से नीचे, दैट इज द आइडिया। सो अगर डायरेक्ट बढ़ा इनडायरेक्ट बढ़ा, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। नॉर्मल वैल्यूज की रेंजेस वेरी करती है थोड़ी थोड़ी आपके लेबोरेटरी के अनुसार, वो इसलिए आपको लैब वैल्यू आपकी चेक करनी है मेरे रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जा रहा है या क्या है। ऑलराइट, रिमेंबर दैट। और एबनॉर्मल वैल्यू का क्या मतलब है, कुछ चीजें आपको बता दें। नए नवेले बच्चे, न्यूबॉर्न किड्स, न्यूबॉर्न नए बच्चों में बिलिरुबिन हाई होता है पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लाइफ के लिए, वो स्वाभाविक है। और आपके डॉक्टर आपको रेगुलरली बोल सकते हैं कि अगर बिलिरुबिन लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उनको लाइट में रखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा फोटोथेरेपी दी जाती है। कई बार बहुत ज्यादा लेवल हो गया है, अगर 17, 18, 10, 12, 13 हो गया तो वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की बातचीत करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट देन दैट्स ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज जब हम बच्चा पैदा होता है तो मदर का कुछ खून बच्चे में चला जाता है और वो टूटता है और वो बिलिरुबिन बढ़ाता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, राइट। और कई बार बच्चे का खून भी टूट सकता है, कोई मिसमैच हो जाए, एंटीजन मिसमैच हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो फिर बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो वो चीजें G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो सिर्फ बच्चों में चेक की जाती है, वो अलग टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के हिसाब से। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दिया, राइट। सो इसमें भी ऑब्वियसली बच्चे के केस में ये देखा जाता है कितनी जल्दी बढ़ रहा है बिलिरुबिन, बार बार देखा जाता है, उसमें तो ऊपर से ही देखा जाता है, ऊपर से मशीन आती है जो छाती पे लगा के बिलिरुबिन बता देती है, खट से हुई, जी हाँ, ऊपर से बिलिरुबिन बता देती है, राइट। और ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन बोलते हैं इसको। और प्रीमेच्योर बेबीज में वो ज्यादा होता है थोड़ा सा, और बेबी के एज के हिसाब से भी आता है, बट एनीवेज छोड़ दो इसको। और मैंने बताया था आपको कि जॉन्डिस होता है जब रेड ब्लड सेल टूटते हैं या टूटे जाते हैं, तो ये टूटना कई सारे बच्चों में भी हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, हीमोलिटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसमें मान लीजिए अगर आपको बच्चों में भी हो सकता है, इवन आपके केस में अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया उसके अंदर रिएक्शन हो गया, उसमें इम्यून सिस्टम आपका वो भी प्रॉब्लम कर सकता है कि इम्यून सिस्टम ब्लड को ही तोड़ रहा है, जी भी ऐसा भी होता है। और लिवर की बीमारी में भी बिलिरुबिन बढ़ सकता है, लिवर में सिरोसिस हो जाए, लिवर में हेपेटाइटिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, या कोई भी लिवर की बीमारी हो उसमें बिलिरुबिन बढ़ेगा। और जहां पर बिलिरुबिन प्रोसेस नहीं हो रहा लिवर के थ्रू, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम है एक तरीके का, जिसमें बिलिरुबिन प्रोसेस होके बाइल नहीं बन पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, वहां पर भी बिलिरुबिन बढ़ेगा, राइट। गॉल ब्लैडर की बीमारी से भी बिलिरुबिन बढ़ेगा, उसमें फिर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा गॉल ब्लैडर वाले में, उसमें बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर के आगे की डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बिलियरी स्ट्रिक्चर होता है, स्टोन होना जरूरी नहीं है, स्टोन भी हो सकता है और स्ट्रिक्चर भी हो सकता है, रास्ता सिकुड़ गया है किसी कारणवश, इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, व्हाटएवर, सिकुड़ गया रास्ता, राइट। कई बार पथरी होती है, पथरी चीरा मार के चली गई, रास्ता सिकुड़ गया, पथरी तो निकल गई, रास्ता सिकुड़ के चली गई, घाव दे गई बोलते ना, वो गई पर घाव दे गई, ऐसा भी होता है। एनीवे, कैंसर भी हो सकता है गॉल ब्लैडर का और पैनक्रियास के। कैंसर है तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, वो आगे का रास्ता बंद कर देगा, दबा देगा, कैंसर के वजह से नहीं, कैंसर बड़ा होगा तो वो अपने साइज के वजह से आजू बाजू वाली चीजों को दबा देता है, पैनक्रियास अपने साइज के वजह से आजू वाली चीजों को दबा देता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर देता है। उस केस में अल्ट्रासाउंड में गांठ दिख जाती है, मांस दिख जाता है, तो अल्ट्रासाउंड तो करना ही पड़ेगा। गॉल स्टोन तो दिख ही जाएंगे अल्ट्रासाउंड में, गॉल स्टोन से भी होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी, पित्त की थैली में पथरी से भी होता है। तो ये सारे कारण है बिलिरुबिन के बढ़ जाने के, और उसी वजह से फिर बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। बिलिरुबिन के टेस्ट में कोई खास मेजर रिस्क नहीं, अगेन जब भी सुई लगेगी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का रिस्क होगा, वो आपको पता ही है कि नहीं, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का, इन्फेक्शन का, लगाने वाले के ऊपर, सुई लगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही बातचीत ब्लड में बिलिरुबिन के टेस्ट की, उसी के से टोटल बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन बोल लीजिए, अनकॉन्जुगेटेड मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का टेस्ट होता है। अब बात करते हैं यूरिन में। यूरिन में बिलिरुबिन भी एक येलो पिगमेंट होता है जो यूरिन में भी आ सकता है, और यूरिन में बिलिरुबिन अगर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है तो ये भी कह सकते हैं कि आपको बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, राइट। नॉर्मली यूरिन में बिलिरुबिन होता है कि नहीं होता? नो, यूरिन में नॉर्मली बिलिरुबिन नहीं होता, यूरिन में बिलिरुबिन नहीं होता। तो अगर आपकी यूरिन में बिलिरुबिन आ रहा है उसका मतलब या तो आपको ये सारी बीमारी या तो बिलिरी बाइल डक्ट के ट्रैक में या लिवर में सिरोसिस या गॉल स्टोन या हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज या फिर कोई ट्यूमर टेमर गॉल ब्लैडर, ये सारी कुछ हो सकता है। सो यूरिन में बिलिरुबिन भी चेक किया जा सकता है जैसा कि हमने आपको बताया, राइट। और अगर हम ये चीज इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल क्या है बिलिरुबिन, सबसे बड़ा एक और पॉइंट याद रखना है कि बिलिरुबिन को लाइट से तोड़ा जा सकता है, फोटोथेरेपी। इसीलिए बिलिरुबिन बच्चों में जब लाइट ज्यादा हो जाती है तो उनको फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर रखा जाता है, बिलिरुबिन टूट जाता है, टूट के वो मेटाबोलाइज होके निकल जाता है शरीर से, वरना बिलिरुबिन ज्यादा होके दिमाग पे असर कर सकता है, कर्निकटरस कर सकता है बच्चों में। बड़ों में ये रेयरली होता है लेकिन होने के चांसेस है, खुजलियां कर सकता है बॉडी में। बिलिरुबिन एक डेंजरस चीज है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक साइन है, हमें उसके पीछे का कारण ढूंढना होता है, कारण पकड़ेंगे तो ही इलाज पॉसिबल है। याद रखिएगा, कारण ढूंढना है, कारण डिस्कस करना है अपने डॉक्टर से। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। कोई भी सवाल हो जरूर लिखिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज।